निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद कहीं मायूसी है तो कहीं जश्न का माहौल है। मेरठ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ मेयर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है, तो वहीं वार्ड और नगर पंचायत में भी भाजपा का दबदबा रहा है। इसी बीच मेरठ से एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दरअसल वार्ड का चुनाव भाजपा उम्मीदवार ने जीत लिया है। विजयी भाजपा उम्मीदवार बड़ा दिल रखते हुए हारे हुए बसपा के पार्षद प्रत्याशी से गले मिलने पहुंच गए, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका ये अच्छा कदम उनके लिए ही भारी पड़ जाएगा। हुआ यूं कि जैसे ही भाजपा प्रत्याशी हारे हुए बसपा प्रत्याशी से गले मिलने पहुंचे, बसपा प्रत्याशी ने भाजपा के विजयी पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया। ये देख सब हैरान रह गए। दरअसल ये पूरा मामला वार्ड नंबर 41 कंकर खड़ा से सामने आया है, जहां भाजपा प्रत्याशी सतीश प्रजापति ने निकाय चुनाव में पार्षद पद जीत लिया, तो वहीं बसपा उम्मीदवार सुशील कुमार को हार का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक जीत हासिल करने के बाद भाजपा के विजयी प्रत्याशी सुशील समर्थकों के साथ रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान उन्हें हारे हुए बसपा प्रत्याशी रास्ते में दिख गए। भाजपा प्रत्याशी ने बड़ा दिल दिखाया और हारे हुए बसपा प्रत्याशी से मिलने के लिए पहुंच गए, मगर बसपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को थप्पड़ मार दिया। ये देख वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने उल्टा बसपा प्रत्याशी के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर और क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है।